हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे अपने पेशावरी छोले की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। इसके लिए आपको हाफ़ के जी या एक किलो, आपको जितने का भी बनाना हो। मैं हाफ़ के जी चना है, ये काबली वाइट वाला चना ले लीजिए हाफ़ के जी, और इसको वाटर में ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद आप एक चाय की पत्ती लीजिए, उसकी एक कॉटन के कपड़े में पोटली बनाइए, इससे ब्लैक कलर आता है, वो डाल दीजिए। और चनों में नमक डाल, टेस्ट के अनुसार नमक डाल दीजिए, और इसको बॉईल कर लीजिए एक घंटा। चलिए बॉईल कर लेते हैं। अब देखिए, आपको इसको बनाने के लिए मसाला क्या चाहिए। ये 2 से 3 पोटी प्याज है, बड़ी प्याज लेना है, मसाला अच्छा थिक बनाना है। ये 2 से 3 धनिया पाउडर है टीस्पून, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, 3-4 ये दालचीनी के टुकड़े हैं, 3 बड़ी इलायची है, 4 छोटी इलायची है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है, थोड़ी सी जावित्री है, लौंग है, काली मिर्च है, जायफल है। आपको इसको इसमें मिक्सी के जार में डाल के ग्राइंड करके स्मूथ पेस्ट बना लेना है। थोड़ा सा पानी ऐड करके, ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा। इसको डाल के स्मूथ पेस्ट बना लेती हूँ। सो गाइस, देखिए प्याज हमारी पिंक हो गई, मसाला ऐड कर देंगे, थोड़ा सा पानी इसमें डाल देंगे। तो देखिए, मैंने इसमें वाटर ऐड कर दिया है और 3 टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटर मसाले में अच्छे से घुल जाएं, इसलिए इसे रफली चॉप करके इसमें ऐड कर दीजिए। इधर देखिए, हमारे छोले बॉईल हो चुके हैं। कितना प्यारा कलर आया है, जो मैंने पोटली डाली थी चाय की पत्ती की, उससे देखिए कितना प्यारा कलर आया है। और हमारा मसाला भी भुन रहा है, देखिए। बस मसाला जैसे ही भुनेगा, हम इसमें बॉईल करे हुए अपने छोले ऐड कर देंगे। तो देखिए गाइस, मेरा मसाला हो गया है रेडी। अब हम इसमें छोले बॉईल वाले ऐड कर देंगे। तो देखिए, मसाला हो गया, अब इसमें छोले ऐड कर देंगे बॉईल वाले। ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, फ्लेवर अच्छा आ जाता है बनते में डालने से। और थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल दूंगी, खटाई पाउडर है ये, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसको मिक्स करके वाटर ऐड करके एक सीटी ले लूंगी। अब इसमें एक सीटी ले। तो देखिए गाइस, हमारे पेशावरी छोले तैयार हैं, बहुत ही टेस्टी छोले बने हैं। गाइस, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, ताकि अच्छी अच्छी डिश हम आप तक पहुंचाते रहें, और आप सीखते रहें और हम आपसे जानते रहें कि आपको मेरे छोले और मेरी रेसिपी कैसी लगी। बाय बाय, टेक केयर।